सवेरे का सब लोग नहाते हैं, उसके बाद टॉवल वगैरह धुल के ये पंखे के डंडे, पंखे के नीचे डंडे पर डाल देते हैं ताकि सूख जाएं, क्योंकि मोटे मोटे टॉवल हैं। हम 5 लोग हैं तो सबके 5 टॉवल हैं, वो सारा दिन पड़े रहते हैं, उसके बाद शाम का टाइम वो सूख जाते हैं, तो उनको उतार के मैं ले जा के रख रही हूँ। और यहाँ विम्मी दोपहर में सो के, दैट मीन्स शाम को सो के उठी है, और उसके बाद बिस्तर का उसने देखिए क्या हाल किया हुआ है, ऐसे उठ के भाग गई वहाँ से। और बच्चे यही करते हैं डेली, वही चादर वगैरह सब ठीक करना है मेरी जिम्मेदारी है। वैसे मैं उन लोगों से भी करवाती हूँ, मैं ही नहीं करती हूँ, लेकिन इस समय पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो फ्री हूँ मैं ही कर देती हूँ, और मैं ही कर रही हूँ वो। फ्रेंड सवेरे से वेजिटेबल्स लेके आए थे, मॉर्निंग से ही लाए हुए हैं, ऐसे ही रखा हुआ था उनको क्वारंटीन करके। ज़्यादा वेजिटेबल तो ला नहीं सके क्योंकि तिवारी जी को ऑन द ड्यूटी थे, उनको देर हो रही थी, शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने मुझे कहा जल्दी जल्दी से जितनी सब्जियां ले सको ले लो। और मर्दों की तो फितरत होती है, 10 मिनट के काम को 2 मिनट में चाहते हैं हम कर ले, और औरतों की फितरत उसके ऑपोजिट होती है, वो लोग 2 मिनट के काम को 10 मिनट लगाती हैं। तो जल्दी जल्दी में मैं जितनी भी सब्जियां ले सकी, जो भी ज़रूरी है, जैसे ऑनियंस, टोमेटो, चिलीज, और उसके बाद दो तीन सब्जियां और ले ली, ले लिया, उसके बाद बस इतना ही लेके आए। जल्दी जल्दी में सवेरे से ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको अभी फ्रिज में रख दूँ, और जो शाम के टाइम बनानी है सब्जी उसको भी निकाल दूँ, तो वही सब मैं कर रही थी। और देखिए उसके बाद वो टोमेटो टोमेटो भी निकाला, कि मतलब टोमेटो पहले से भी रखे हुए थे जो, तो मैंने सोचा दोनों मिक्स कर दिया था, तो वही मैं उसमें देख रही थी, पहले वाले टोमेटो तो ठंडे ठंडे थे, वही उसको मैंने निकाला अभी बनाने के लिए। और अभी मैं जा रही थी नेनुआ और टोमेटो वगैरह सब कुछ लेके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग हेल्दी और खुश होंगे। फ्रेंड्स आज आप लोग मेरी हालत देख रहे हैं, देखिए क्या अवस्था हो गई है। इतनी अप टू डेट मैं हमेशा कैमरे के सामने आती थी, आज सवेरे से 2 बार मार्केट गई फ्रेंड, अभी भी मार्केट जाके आई हूँ। और मॉर्निंग में वेजिटेबल वगैरह लेके आई थी, फिर भी ज्यादा वेजिटेबल तिवारी जी नहीं लाए थे, उनके पास टाइम नहीं था, देर हो रही थी उन्हें, तो 2-3 वेजिटेबल लेके आ गए, मतलब प्याज, टोमेटो, जो कि कॉमन सब्जियां हैं जिनके बिना चलता नहीं है, और नेनुआ और क्या बोलते हैं तरोई, यही सब लेके आए हैं, और मिर्ची वगैरह जो कॉमन है। और फ्रेंड इवनिंग में अभी मैं गई, एक्चुअली आप लोगों को बतानी थी, कल कल मेरी विम्मी का बर्थडे है, कल वो 16 ईयर्स की हो जाएगी, और कल मेरे चैनल को भी 1 महीना पूरा हो जाएगा, मीन्स दो दो बर्थडे हैं, एक मेरे चैनल का 1 महीने वाला और मेरी विम्मी का। तो उसके लिए गए थे, तो क्योंकि कोलकाता वासी हैं तो डेफिनेटली रसगुल्ला तो खाएंगे ही, तो आप लोग भी आ जाइएगा कल बर्थडे में और रसगुल्ला खा लीजिएगा। वैसे तो ज्यादा हम लोग सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, थोड़ा सा ही, मतलब बस घर में ही बनाते हैं, वो विम्मी को खीर या सेवई जो भी उसे पसंद होगा वो बोलेगी वो मैं बना दूंगी। फिर आज से मेनू सेट हो गया है कि कल आलू दम बनेगा, पूरियां बनेगी, ये बनेगा वो बनेगा। सवेरे विम्मी ने कह दिया मम्मी चाउमीन चाहिए, तो आप लोगों ने देखा अभी कि चाउमीन वगैरह, क्योंकि चाउमीन खत्म हो गया था तो चाउमीन भी लेके आए हैं। और ये सब अब बर्थडे गर्ल है तो जो बोलेगी वो तो करना ही बनता है ना। और मेरी हालत 2 बार मार्केट जाके फ्रेंड इतनी मैं थक गई हूँ आज ना कि मैं अब क्या बताऊं। आप लोग देख रहे होंगे सब एकदम, जो हमेशा कैमरे के सामने अप टू डेट आने वाली निर्मला तिवारी, देखिए आज कैसी हो गई हूँ। अभी खाना भी बनाना है, निम्मी भी ऑलरेडी थक गई, वो भी मार्केट गई थी, पता नहीं विम्मी के बर्थडे के लिए क्या चुपचाप सेलिब्रेशन के लिए करने वाली, पता नहीं गई थी, उसने मुझे भी नहीं बताया, तो बोली मम्मी बताना मत विम्मी को। मैं बोली कोई बात नहीं, अभी वो मैं सब्जी मैंने बोली कट करने के लिए, तो बोली मम्मी तुम ही सब्जी कट कर लो मेरी, कल फ्रेंड देखिए कल मेरी उंगली भी कट गई थी, एक्चुअली हमारी चाकू है ना बहुत तेज है, उससे उंगली भी कट गई थी, तो फिर भी कोशिश करती हूँ, नहीं होगा तो कोई ना कोई आके काट ही देगा। चलिए बातें बहुत हो गई हैं, और दूसरी बात मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए, जो बहुत बातें और हो गई मेरी, एक्चुअली हैबिट है, मैं जब मोबाइल पे भी किसी से बात करती हूँ ना, मतलब अपने बच्चों से या तिवारी जी से, तो बोलती हूँ चलिए रखती हूँ, और अगर वो लोग काट देंगे तो बोले कि काट क्यों दिया, मुझे और बातें करनी थी क्योंकि फ्रेंड बातें बहुत करती हूँ ना, इसीलिए बातें मेरी खत्म नहीं होती, मैं बोलूंगी चलिए रखती हूँ लेकिन मैं रखूंगी नहीं। तो उसी तरह से अभी जो मेरी रोज की कॉमन बातें हैं वो तो बोलनी ही है, कि मेरे चैनल को लाइक लाइक कीजिएगा, ये बताना जरूरी है, चैनल को लाइक कीजिएगा और ढेर सारे कमेंट कीजिएगा, प्यारे प्यारे, वैसे आप लोग के कमेंट्स तो आते हैं उसके लिए मुझे कोई शिकायत नहीं है। हाँ आजकल सब्सक्राइब आप लोग कम कर दिए हैं, ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है, मैंने सोचा था कि मेरा 550 हो जाएगा 1 महीना होते होते, लेकिन नहीं हुआ फ्रेंड।
अभी अभी इवनिंग तक मेरा कितना हुआ है, 5:31 ही हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, जितना ही जितना प्यार आप लोगों का है वही मुझे, खुश हूँ उससे, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जो इंसान सेटिस्फाइड हो जाता है मतलब वो खत्म हो जाता है, वो फिनिश हो जाता है। हमें आगे इंकरेजमेंट रहने के, इंकरेज रहने के लिए सेटिस्फाइड होना कॉमन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, कोशिश में लगे रहना चाहिए। तो मैं भी कोशिश में हूँ आप लोगों को खुश करने के लिए, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोग देखिए, और मुझे जो भी मेरे ब्लॉग को देखे प्लीज उसे सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएगा, और मेरे चैनल को मतलब फुल सपोर्ट कीजिए आप लोग, अभी मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है, फुल सपोर्ट कीजिए। चलिए बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, अभी खाना भी बनाना है, 7:45 हो गया है, बहुत देर हो रही है। हाँ अदरवाइज 9 बजे आप लोगों को पता है 9 बजे तिवारी जी को खाना चाहिए होता है, अदरवाइज वो हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, हाँ फिर उनको जाना होता है मिल में। चलिए फ्रेंड अब ज्यादा बातें बातें जितनी सारी होनी थी वो तो जितनी होंगी कम ही रहेंगी, एटलीस्ट मैं तो बहुत बात हूँ नहीं, मैं बहुत बातें करती हूँ। तो चलिए अब मैं अपने पूरे ओरिजिनल ओरिजिनल रूप में हूँ, स्टार्टिंग में मैं थोड़ी फॉर्मल थी लेकिन अब मैं वैसी नहीं हूँ, अब मैं रियल में जैसी मैं हूँ जॉली नेचर की, मैं वैसी हो गई हूँ आप लोगों के साथ। चलिए आगे का काम देखते हैं। मम्मी ने दोपहर के बर्तन साफ करके रखे हैं जो दोपहर के खाने के थे, अभी शाम को 6 बजे उसने साफ किया, ये अभी यहीं पड़े हुए हैं क्योंकि मेरे जिम्मे का काम रहता है, मैं ही सजा तो पोछ के रखती हूँ, बेटियां उतना घर का उनसे होता नहीं है कि पोछे, मुझे मम्मी एक एक बर्तन पोछना उनसे होता नहीं, तो चलिए मैं ही ले जाती हूँ, लोग साफ कर देती है यही काफी है, फिर भी मेरे बच्चे बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड ये बर्तन ले चलूं वहां, और देखिए फ्रेंड कल मेरी थोड़ी सी उंगली कट गई थी इसीलिए मुझसे सब्जी काटी नहीं जा रही, तो विम्मी आई तो मैंने विम्मी को दिखाया, बोली दो मम्मी मैं काट देती हूँ, अब देखिए उससे बनता है कि नहीं, क्योंकि नेनुआ उसने कभी काटा नहीं है, फिर भी ट्राई कर रही है। आज हम फ्रेंड नेनुआ की सब्जी बना रहे हैं, तेल जल गया, आलू आलू नेनुआ और टमाटर की सब्जी बना रहे हैं। मार्केट में तो टमाटर के दाम इतने ज्यादा हो गए हैं कि हालत खराब हो जाती है, लेकिन बिना टमाटर के चलेगा नहीं, टमाटर तो सब सब्जियों में चाहिए होता है। तो मैं ऐसे मैंने एक बार और आप लोगों से फ्रेंड नेनुआ की सब्जी मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी, तो मिर्ची ग्रीन मतलब ग्रीन चिली कट करके हमने पहले छौंका में डाल दिया, 5 फोरन डाल रहे हैं, उसके बाद कोहड़ौरी जो हम लोग बनाते हैं दालों की बढ़िया, ये कोहड़ौरी इसको डालेंगे, नेनुआ वगैरह की सब्जी में तो ये मस्त होता है अगर हो तो, वैसे मेरी कोहड़ौरियाँ अब खत्म हो रही हैं। और देखिए हमारा ये फोरन अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम विम्मी ने सब्जी कट कर दिया क्योंकि मेरा हाथ कटा हुआ था, ये देखिए मेरा अंगूठा कटा हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है, छौंकने से पहले इंडक्शन को कम कर देंगे,
और पहले हम आलू फ्राई करेंगे। आलू को जब ब्राउन कर लेंगे, लाल कर लेंगे, तब हम इसमें नेनुआ ऐड करेंगे, क्योंकि नेनुआ को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वाटरी सब्जी होती है, उसमें वाटर बहुत होता है, उसको जितना फ्राई करते जाएंगे उतना पानी छोड़ता जाएगा, इसलिए उसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम अपना आलू फ्राई कर लेंगे। हमारे पोटैटोस देखिए ऑनियन डालने के बाद, क्योंकि ऑनियन मैंने बाद में डाला है, इसलिए जैसा मैं इन्हें ब्राउन करना चाह रही थी वैसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हमारे पोटैटो वैसे भी फ्राई हो गए हैं। तो अब इसमें मैं अपने नेनुआ को ऐड कर दूंगी। मैंने आलू कम लिए हैं, नेनुआ ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि नेनुआ ऑलरेडी गल जाते हैं, और वैसे भी हमारे तिवारी जी को सब्जियों में आलू ज़रा कम ही पसंद है, वो तो मैं इसलिए आलू एक दो डाल देती हूँ, नहीं तो बच्चे नेनुआ नहीं खाएंगे। और मैं अपने बच्चों को सारी सब्जियां खिलाती हूँ, सिर्फ करेला छोड़ के। अब तक मैंने करेले का एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, करेला मैंने किसी को नहीं खिलाया है, और नहीं तो मिम्मी वैसे बड़ी है वो खा सकती है, लेकिन वो भी नहीं खाती है। बाकी मैं सारी सब्जियां उन लोगों को नहीं खाएंगे तो भी ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। मैं बोलती हूँ सब्जियाँ तो सब खाना मस्ट है, पसंद हो या ना हो खाना तो पड़ेगा ही, तो सबको मैं खिलाती हूँ ज़बरदस्ती। अब फ्रेंड क्योंकि ऑलरेडी हमारे पोटैटो फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें मसाले, ड्राई मसाले, मतलब ये रहा टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर थोड़ा सा ऐड करूंगी, और ये धनिया पाउडर, धनिया पाउडर हल्का ही डालूंगी, क्योंकि तिवारी जी को ज़्यादा मसाले वाला नेनुआ आलू पसंद नहीं है, और थोड़ा सा हल्का सा जीरा पाउडर। और अब मैं इसमें टमाटो ऐड कर दूंगी। वैसे काफ़ी लोग नेनुआ में टमाटो नहीं डालते हैं, लेकिन मैं तो अपने 99.9% सब्जियों में मैं टोमेटो ऐड करती जरूर हूँ, उसके बिना मुझे जो टेस्ट उसका अच्छा ही नहीं लगता है। तो ये सब मैंने ऐड कर दिया है, सारे मसाले जो भी थोड़े बहुत डालने थे। अब इसमें हम अपना अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड करेंगे। वैसे आजकल मेरा सॉल्ट ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए डालते हुए भी डर लग रहा है, तो फिलहाल मैंने कम ही डाला है। और मैं अपना ये टेम्परेचर इसका कम कर दूंगी, 100 वॉट पे मैंने कर दिया है, अदरवाइज ये पानी, जब ये पानी छोड़ेगा तो अच्छे से सब्जियां हमारी पकेंगी उसमें, और अगर पानी कम हुआ तो हम ऊपर से वैसे भी वाटर ऐड करना ही पड़ता है थोड़ा सा। अब हम इसको ऐसे ही अपनी सब्जी को ढक देंगे। देखिए फ्रेंड, हमारी सब्जी आधी पक चुकी है। अब इस कंडीशन में मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, अदरवाइज सब्जी बहुत सूखी हो जाएगी, और फिर हमारे घर में थोड़ी सी मतलब झोलदार सब्जी होनी चाहिए। झोलदार का मतलब एक्चुअली ये बांग्ला वर्ड है, झोलदार का मतलब होता है थोड़ा जूसी होनी चाहिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी फ्रेंड, बस थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी ताकि अच्छे से पक सके, और मैं टेम्परेचर थोड़ा सा फास्ट कर दूंगी, और अब इसे मैं चला के ढक दूंगी और ये अब पक जाएगी। अब वैसे भी 50% हमारी सब्जी पकी चुकी है, अब मैं इसे ढक दूंगी फ्रेंड। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Remy. Happy birthday to you. Thank you. अरे क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? हाँ, माँ के पैर छू लो। ओके, खुश रहो खुश रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग हेल्दी और खुश होंगे। आज मैं मॉर्निंग में जल्दी से नहा ली फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने हेयर वॉश भी किया है, क्योंकि वन वीक हो जाता है तो हेयर वॉश करना पड़ता है, अदरवाइज हेयर पूरे स्टिकी स्टिकी हो जाते हैं। तो मैंने आज हेयर वॉश किया है। आज विम्मी का बर्थडे है, तो किचन में उसने कहा मम्मी मैं अपने अपने पसंद का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। मैं बोली कोई बात नहीं, तो किचन में दोनों बहनें लगी हुई हैं, और मैं बोली मैं ठीक है मैं नहा धो के आती हूँ। तो आज थोड़ा जल्दी स्नान ध्यान हो गया, क्योंकि भाई बर्थडे है उसका, और फिर तिवारी जी भी 9:30 बजे तक उनको मिल में जाना होता ब्रेकफास्ट करके, तो थोड़ा जल्दी किया है। और देखिए ब्रेकफास्ट के लिए क्या सरप्राइज है, वैसे तो मैंने आप लोगों से इवनिंग में बता ही दिया है
क्या सरप्राइज है। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे ब्लॉग को पूरा तो देखते हैं ना, पूरा देखिए प्लीज, पूरा देखिए और ढेर सारे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को, मेरा चैनल बंद करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अब ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए चल के देखते हैं कि किचन में क्या चल रहा है। ब्रेकफास्ट तो खैर आपको सरप्राइज कुछ है नहीं, मैंने शाम को बता ही दिया था इवनिंग टाइम में। चलिए किचन में चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए आज मॉर्निंग में विम्मी ने कहा है आज उसका बर्थडे है तो उसको ब्रेकफास्ट में चाउमीन चाहिए, वो और निम्मी मिलके बनाएंगे। तो निम्मी वेजिटेबल्स कट कर रही है इस समय और देखिए यहाँ पर विम्मी चाउमीन को बनाने की, फ्राई करने की। और तेल डालो, तेल उसमें तेल, हाँ थोड़ा और डाल, ज़्यादा लगता है तेल, बस हो गया। मैं उसे इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ और विम्मी देखिए चाउमीन बनाने, फ्राई करने के प्रिपरेशन में लगी हुई है। और यहाँ पर सिद्धार्थ कहाँ चला गया? सिद्धार्थ देखिए यहीं पर घूम रहा है किचन साइड में ही, क्योंकि जब कुछ बनता है तो बच्चे किचन में ही घूमते रहते हैं। देखिए मस्टर्ड ऑयल में, क्योंकि चाउमीन मैं तो आप लोगों को बताया मैंने सब कुछ मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, तो चाउमीन भी मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। विम्मी ने ग्रीन चिली डाल दिया है, ग्रीन चिली फ्राई हो चुकी है, अब वो उसमें बीन्स ऐड करेगी, क्योंकि वेजिटेबल्स थोड़ी कच्ची कच्ची रहती है तो क्रंची क्रंचीनेस बनी रहती है और अच्छे लगते हैं चाउमीन में। तो पहले क्योंकि बीन्स को फ्राई होने में टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले बीन्स डाला हुआ है और बीन्स को वो फ्राई करेगी 2 मिनट तक। फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें विम्मी ऑनियन ऐड करेगी और फिर ऑनियन को भी थोड़ा सा मतलब 50% पका लेगी। अब विम्मी इसमें सॉल्ट ऐड करेगी, डाल दो, बस हो गया, बस बस और मत डालो। सॉल्ट ऐड कर उसे थोड़ा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है क्योंकि चाउमीन की क्वांटिटी ज़्यादा है और वो थोड़ी बच्ची है तो उसको थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। और सॉल्ट मैं उसे लेट डालती हूँ, लेकिन अभी पहले इसलिए डाल दिया क्योंकि जल्दी से पकाना है, क्योंकि तिवारी जी को ड्यूटी जाना है, मॉर्निंग टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं तो उनको ब्रेकफास्ट चाहिए, तो इसीलिए उसमें सॉल्ट डाल के जल्द से जल्द पका रहे हैं। देखिए फ्रेंड हम लोग चाउमीन में मतलब चाउमीन मसाला की जगह, चाउमीन मसाला आजकल उतने टेस्टी नहीं आते हैं तो उसकी जगह हम लोग मैगी मसाला डालते हैं। आप भी मैगी मसाला, और ये पिज्ज़ा आया था, पिज्ज़ा का मसाला बचा हुआ था, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। तो देखिए फ्रेंड ये चाउमीन मसाला, आप लोग चाउमीन मसाला डाल के बना के देखिए, रियल में मानिए इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जब से मैंने इसे ट्राई किया है बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, हम लोग यही चाउमीन में ऐड करते हैं। अब हमारे बीन्स और ऑनियंस पक चुके हैं, अब इसमें विम्मी चाउमीन, सॉरी चाउमीन बोल रही हूँ, ये शिमला मिर्च ऐड करेगी, क्योंकि शिमला मिर्च हम सबसे लास्ट में ऐड करते हैं क्योंकि वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और उसका क्रंचीनेस बना रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए लास्ट में शिमला मिर्च ऐड करते हैं। हमारे वेजिटेबल्स कुक हो चुके हैं, अब इस समय विम्मी इसमें देखिए मैगी मसाला डाल रही है और जो पिज्ज़ा का मसाला बचा हुआ था वो डाल रही है। ये इसको ऐड करने के बाद ये इसमें वो डालो विनेगर और सोया सॉस, क्योंकि वेजिटेबल्स हमारे ऑलरेडी जितना हमें चाहिए उतना कुक हो चुके हैं, तो उसमें विनेगर ऐड कर रही है, बस हो गया नहीं तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, और सोया सॉस ऐड कर रही है। विम्मी की इच्छा थी कि अपने बर्थडे पर वो ही चाउमीन बनाएगी, अदरवाइज मैं ही बनाती या निम्मी बनाती, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो बनाएगी, अपना अपना शौक होता है। अब हमारा ये वेजिटेबल कंप्लीट हो चुका है, इसमें चाउमीन ऐड करने का टाइम आ गया है। बॉइल्ड नूडल्स अब इसमें ऐड करेगी विम्मी, ऐड करो नूडल्स, मैंने बॉइल करके रखे थे। नूडल्स को बॉइल करते हुए उसकी रेसिपी फ्रेंड्स नहीं दिखाई क्योंकि वो एक बार और मैं दिखा चुकी हूँ। देखिए फ्रेंड हमारे चाउमीन अच्छे से बन चुके हैं और वेजिटेबल्स में मिक्स भी हो चुके हैं, अब सिर्फ इन्हें परोस के खाना है। फ्रेंड्स विम्मी ने चाउमीन बना दिया है, ये एक प्लेट लेके वो आप लोगों के लिए खड़ी है। उसने स्ट्रिक्टली कहा है कि मम्मी मेरा फेस मत दिखाना क्योंकि उसके बाल बिखरे हुए हैं, मॉर्निंग से सो के उठी है। वो लोग भी चाहते हैं कि अच्छे अच्छे मेकअप शेकअप में रहे तो सामने आए, लेकिन मैं कैसे भी उन्हें शूट कर लेती हूँ। लीजिए आप लोग भी खा लीजिए चाउमीन, आज विम्मी के बर्थडे का चाउमीन है, उसने खुद से बनाया है, और उसे ढेरों आशीर्वाद दीजिए। कल के पड़े हुए कपड़े सूख चुके हैं
तो डेली इनको मैं उतारती हूँ, लेकिन मैं डेली इसका ये सीन को नहीं दिखाती हूँ। आप लोग भी कहेंगे इसमें डेली क्या दिखाने जैसा है, फिर भी फ्रेंड ये तो है, तो आखिर डेली वर्क का ही एक हिस्सा। तो मैंने सोचा चलिए एक दो तीन दिन हो गया वैसे भी आपको दिखाया नहीं, आज ये भी दिखा दें। और बस कब किचन में जा गई, किचन से लौटी, उसके बाद मैं टॉवल सिर पे लपेटे लपेटे, गाइस बहुत हैवी हो जाता है, इसीलिए मैंने जल्दी से बाल खोल लिया। पूरे बाल गीले हुए हैं, इसलिए मैं पराठा फैन के सामने आके बैठ गई टेबल पे। पहले मैंने चेक कर लिया टेबल मजबूत है कि नहीं, तो टेबल काफ़ी मजबूत है, बहुत ही मोटे वुड का बना हुआ है, इसीलिए मैं देख रहे हैं आप लोग बाल उलट पुलट के। मैं उसको जल्द से जल्द सुखाना चाहती हूँ ताकि वो जल्द से जल्द सूख जाए और मैं या तो उसका जूड़ा बांध लूँ या उसको मतलब पोनी कर लूँ। तो इतना गर्म होता है, बाल खुले रहते हैं तो बहुत, और नहा के आने के बाद तो गाइस ऑलरेडी बहुत पसीना होता है, और जिस दिन बाल धुले रहते हैं पता नहीं कहाँ से एक्स्ट्रा पसीना और निकलने लगता है। और देखिए बाल मैं सुखा रही हूँ इसी तरह से, मैं नॉर्मली मैं हमेशा से, इनफैक्ट बरसों से मैं बाल अपने ऐसे ही सुखाती आई हूँ। पंखे के सामने अगर मुझे जल्दी सुखाना होता है तो फ़ैन के सामने इस तरह से बैठ जाती हूँ या खड़ी हो जाती हूँ, तो जल्द से जल्द बाल सूख जाता है। तो अभी मेरे बाल कम से कम इतने तो सूख ही जाएंगे कि मैं उन्हें लपेट सकूं, अदरवाइज़ गीले बाल मैं लपेट भी लेती हूं तो मुझे उससे सर्दी जुकाम हो जाता है, प्लस हेडेक भी हो जाता है। चलिए गाइस अब इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, और इसका पार्ट टू दैट मींस इवनिंग के टाइम का जो भी लोग शूट करूंगी मैं, वो आप लोग कल के ब्लॉग में देख सकेंगे, क्योंकि आज विम्मी का बर्थडे है इसीलिए देखना है कि इवनिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं। ज़्यादा कुछ बड़ा सेलिब्रेशन तो गाइस नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चा है इसीलिए कुछ ना कुछ तो बनता है सेलिब्रेशन, तो उसको देखने के लिए आप लोगों को कल के मेरे व्लॉग के साथ बने रहना है। और इसका पार्ट टू है वो आज हाफ हुआ है, कल पूरा उसका फुल हो जाएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मेरे वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारे लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। चलो फिर मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे और प्यारे से व्लॉग के साथ। बाय।